हेलो गाइस। सो आज ना मेरे दिमाग में बहुत ही ब्लॉकबस्टर एकदम तगड़ा वाला आइडिया आया है हर्षु पे प्रैंक करने का। हर्षु जिम गए हैं, बस अभी आते ही होंगे, तो इतना तगड़ा ना, मतलब आपको ना मजा ही आ जाएगा देखकर यार। बस आप ना वीडियो को एंड तक देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। बहुत बढ़िया वाला मतलब प्रैंक मैं करने वाली हूँ आज हर्षु पे। मैंने कैमरा वैमरा मैं अभी बस सेट करूंगी। हर्षु जैसे ही आते वैसे ही करते हम प्रैंक को कंटिन्यू। टाइटल और थंबनेल से आपने सब कुछ देख लिया होगा प्रैंक क्या होने वाला है, बस आप ना रिएक्शंस देखो। आप वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ओके फटाफट से चलो वीडियो को करते हैं हम कंटिन्यू। हर्षु के आने का वेट करते हैं। ओके बहुत मजा आने वाला है। Many unbearable hours later. Sakshi? Kya ho gaya? Oh no. Oi. Kya hua tere ko? Tu ro kyun rahi hai? किस चीज के लिए सॉरी? सॉरी यार, मैंने बहुत बड़ा धोखा दिया। ओह नो। अबे तू क्या बात कर रही है? बहुत प्रॉब्लम में हूँ यार, मैं कैसे बताऊँ? मैं आप मेरे से प्रॉमिस करो। अरे तू अभी तक तो अच्छी थी, मैंने जिम जाने तक से पहले तक छोड़ के नहीं जाऊंगी। पहले मेरे को ये बता, अभी मैं जिम गया उसके पहले तक तो अच्छी थी, आया मैं तो रो क्यों रही है? छोड़ के नहीं जाऊंगी यार, मैं जिम ही तो गया था, मैं तो छोड़ के क्यों जाऊंगा? लड़का परेशान कर रहा है यार। लड़का परेशान कर रही, कहां से आ गई? मैं बताऊंगी पूरी बात बताऊंगी, मेरे को छोड़ के मत जाना, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूं। अरे मेरे को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा आशी, तू क्या बोल रही है भाई, क्या बोल रही है? मैं बोलो पहले, मैं तेरे को नहीं छोड़ के जाऊंगा, कभी भी नहीं छोड़ के जाऊंगा, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ ना, इसीलिए। क्या बात है, मुझे बता तो सही, तो समझ में आएगा ना? मेरे को कुछ भी समझ नहीं आ रहा, तू क्या बात कर रही है? पहले आप प्रॉमिस करो, मेरी कसम खा के बोलो पहले। तो पहले बात तो बता, हुआ क्या? मेरे को सच में एक भी चीज समझ नहीं आई, तो क्या हो रही, तू रो क्यों रही है, क्या रीजन है? जब आप मेरे से बात नहीं किए तो 6 महीने जब हो गए थे पहले। कब की बात कर रही है? जब 4 साल पहले आपने बात बंद करी थी मेरे से। हाँ तो उस टाइम में एक लड़के से बात कर, मिलवाई थी मेरे से, तो मैं उससे बात कर रही थी, मैंने उसको शेयर करी बातें अपनी कि आज मेरे साथ ऐसा कर रहा है, ऐसे बात नहीं कर रहा है, मुझे छोड़ दिया ये वो। तो वो बोला कोई बात नहीं, मैं हूं तुम्हारे साथ। तो मैंने उससे सब शेयर किया, तो बोला कोई बात नहीं तुम भूल जाओ उसको, मैं हूं तुम्हारे साथ। मैंने उस पर ट्रस्ट करा, मैंने उसको सारी बातें सुन। आप मत छोड़ना मुझे प्लीज। साक्षी मैं तेरे को क्यों छोड़ूंगा, तो इसमें क्या बात है इसका? उसने हम लोग घूमे मिले कैलविस में, उसने हमारी मेरी फोटो खींची, हम लोग की फोटो खींची दोनों के साथ में। मैं बहुत ट्रस्ट करती थी उसमें, बट वो चीट निकला यार, चीट कर रहा है वो अब। Oh no. अब वो देखा अपनी वीडियो, देखा अपना चैनल देखा, तो बोलता है कि साक्षी तू मेरे को ना, मैं तूने मेरे साथ चीट किया ये किया, तो छोड़ के चली गई मेरे को, ऐसा बोल रहा हूँ मेरे को। मैंने कुछ नहीं किया उसके साथ गलत यार, मैंने सिर्फ ऐसे फ्रेंड करा उसके साथ, बातें चीट सब कुछ। ये बात कहाँ से आ रही यार? अरे मैं तेरे को नहीं छोड़ते जा रहा हूँ, मैं तेरे को नहीं छोड़ते जा रहा हूँ, तेरे साथ हूँ ना, तेरे को कहाँ छोड़ के गया? वो मुझे बोल रहा है मैं तेरी जिंदगी बर्बाद कर दूंगा, सारे फोटो सारी चैट्स आपको दिखा दूंगा, आपके पर्सनल आईडी में भेजेगा, और आपकी फैमिली में भी सबको, भैया भाभी सबको भेज के वो अपना तुड़वा देगा, सब कुछ तुड़वा देगा। तो आज से 3 से 4 या 4-5 साल बाद पहले की बात हो गई है, आज कहाँ से आई? 2 दिन पहले ही मेरे को मैसेज करके बोला मैं आप मत जोड़ना मुझे, आप
आपकी सपोर्ट की जरूरत है। कहीं भी छोड़ देनी यार, मेरे को पहले पूरा क्लियर कर मैटर क्या है। 6 महीने पहले तुमने उससे बात की थी, इस टाइम मैंने तुमको बात करना बंद की थी, तुमने उससे क्या बात की है? मैंने उसको सब बताया अपने बारे में कि आज मेरे को ऐसा कर रहा है, दूर कर रही है। तो बोले कोई बात नहीं, तुम छोड़ो उसको, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम अच्छा ट्रस्ट करके अपनी सारी पर्सनल चीजें उससे शेयर कर दी। मैंने उससे सब शेयर किया कि देख मैंने अर्ज को सच्चा प्यार दिया, पर अर्ज मेरे से दूर होना चाह रही है। वो तो बोले कोई बात नहीं ऐसे करके वो मेरे को वो कर रहा था, पर मैंने कुछ गलत नहीं किया। सच में कसम से मैंने कुछ भी गलत नहीं किया उसके साथ। अगर उसने तूने कुछ भी गलत नहीं किया तो किस चीज को लेकर देखो ब्लैकमेल कर रहा है? वो बोलना मैं तुम्हारी फोटो अपनी फोटो शेयर कर दूंगा और उस पे लिख दूंगा कि लड़की चीटर है, चीट करती है, करती वो कर, जबकि मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने कोई कमिटमेंट नहीं किया। बस फोटो? मैंने ये बोला था कि हाँ ठीक है अपन देखेंगे आगे, बस ऐसे बोला था। कैसी फोटोज? हमारे साथ की कैफे की फोटोज थी। वो कैसी चैट्स हैं? चैट्स थी बस, उसमें मैं उससे बात करती थी रात में, मेरे को नींद नहीं आती थी तो मैं उससे बात करती थी 1:30-2 बजे तक। अब उसको वो चीज गलत लग गई, मतलब वो उसको वैसे लेके बैठ गया, मेरे को क्या पता था वो ऐसे करेगा। और तू मुझे आज बता दी? अभी तो 2 दिन पहले उसका मैसेज आया, वो मेरे को ब्लैकमेल कर रहा है कि तू मेरे को तो कुछ ना कुछ दे मुंह बंद करने का। और उसने अपनी वीडियो देखी यूट्यूब पे, बोले तू तो सक्सेस होके बैठी है, तू खुश है बहुत अपनी लाइफ में। मैं नहीं देख सकता, तू मेरे को कुछ दे, अब मेरे को पैसे दे तू, नहीं तो मैं तेरे पूरी जिंदगी खराब कर दूंगा। बात करूंगा अभी मेरे
भाभी से बात करूंगा, भाई से बात करूंगा, उनको पूरी चीजें शेयर करूंगा, बहुत जरूरी है घर पे बताना, ठीक है? कल को कुछ उठनी होगी ना तो बोलोगी, सपोर्ट करेंगे, वही साथ देंगे अपना, समझ गई ना? प्लीज सर, आप शादी करोगे ना मेरे से? क्यों छोड़ूंगा यार, क्यों छोड़ूंगा? अब मैं उससे नहीं मिलने दूंगी, आप उसको मारो, मैं उससे जरा गलत नहीं किया ना, उसको मैं तेरे को क्यों छोड़ूंगा? कुछ गलत किया क्या तूने? नहीं किया। वो लड़का प्रूफ कर रहा है मुझे गलत कि मैं गलत हूँ, ये वो। उसके गलत बोलने से तू गलत थोड़ी प्रूफ हो जाएगी, मैं जानता हूँ। वो चैटिंग को रॉन्ग वे में वो कर रहा है यार। क्या बोल दिया था तूने ना चैट में? पर मैंने उससे बात करी, अच्छी क्लोज था, मतलब वो मतलब मैं उससे अच्छे से शेयर करती थी, क्या खाया, क्या पिया, कहाँ गई, कौन आया, कौन, सब मैं शेयर करती थी उससे। Oh no! पहले क्यों नहीं बताया यार? उस टाइम आप भी तो मेरे से दूर थे ना, तो उसके बाद अपनी सारी चीजें सॉल्व हुई ना, सब क्लियर हुआ ना, उस टाइम बता देती। मैंने सोचा आपने मेरे से बात बंद करी, अब चालू हुई है बात, तो भी मैं ये कहाँ घुसा हूँ यार बीच में, अब मत छोड़ना बस मेरे को, मैं ये चाहती हूँ प्लीज 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 अर्जुन, आप ऑलरेडी मेरे से दूर होना चाहते थे इसलिए मैंने ये बात नहीं बताई। तो हो गए थे ना साथ में, तो फिर मैं क्यों पूरी चीजें लाऊं यार अपने बीच में, सब अच्छा चल रहा था। जब मैंने कोई भी चीज नहीं छुपाई, सब क्लियर कर दिया है कमिट करने के बाद, तो फिर देखो भी बताना। हां जाना। अच्छा तूने ये चीज छुपाई, छुपाने से क्या फायदा हुआ? मुझे माफ कर, छुप गई क्या वो चीज, आ गई ना सामने? मुझे माफ कर दो ना प्लीज। कोई भी चीज नहीं छुपती बेटा, आ जाती सामने, आ गई ना। मैं हूं प्लीज ना, पैसे दे दो, मैं 5,000 मांग रहा हूं, पैसे दे दो, वो चुप हो जाएगा यार। पेड़ पे लगे पैसे जो उसको 5,000 दे दो तो दे दो। अपनी लाइफ स्पॉइल हो जाएगी। अगर नीचे गिरा, अरे कुछ भी स्पॉइल नहीं होगा, समझी ना, कुछ भी स्पॉइल नहीं होगा। इज्जत कचरे में मिल जाएगी कि साक्षी ऐसी है। अरे तू जब तू गलत है ही नहीं तो क्या प्रूफ कर देगा सामने? तेरी चैट दिखाएगा, सिर्फ तेरी चैट दिखाएगा, फोटो दिखाएगा ना साथ की, और क्या दिखाएगा? कुछ गलत है क्या? हाँ कुछ गलत। सब लोग तो सोचे कि मैं दो को चला रही थी। तेरे कुछ चैट में कुछ गलत सबको पता है ना, अपन 8 साल से रिलेशनशिप में, सबको ये थोड़ी पता है कि 6 महीने बीच में बात बंद थी। ओह नो, टेंशन मत ले, मैं तेरा साथ हूं, इतना सा भी कुछ नहीं होगा, देखो तेरी इमेज को भी कुछ नहीं होगा, ना अपने, सुन ले मेरी बात, ना अपने रिलेशनशिप को कुछ होगा, ना तेरी इमेज को कुछ होगा, इतना सा भी कुछ नहीं होने दूंगा ना तुझको, ना अपने रिलेशनशिप को, ना अपना करियर जो चल रहा है ना उसको भी कुछ नहीं होने दूंगा। पता ना तेको ट्रस्ट है कि नहीं मुझ पे? देखो पता है मैं कुछ नहीं होने दूंगा किसी भी चीज को, ट्रस्ट है ना देखो मेरे पे? पैसे दे दो ना प्लीज। हाँ ऐसे लोगों को पैसे नहीं देते, समझी? ये लोगों की हिम्मत और बढ़ती है और ये लोग आगे और परेशान करते हैं, समझ गई मेरी बात? इनकी हिम्मत बढ़ती है और ये बहुत ज्यादा परेशान करते आगे। चल कल को तू अपन ने पैसे दे दिए, उसने कुछ भी डिलीट नहीं किया, ठीक है? कल को दोबारा से तुझसे बड़ी डिमांड करने लगा तेरी लाइफ देख के, यार ये तो और खुश और सक्सेस हो रही है, हाँ क्या करेगी फिर बता मेरे को, बता ना क्या करेगी? और पैसे मांगे और पैसे भरेगी मुंह में? इतने खून पसीना बहा के कमा के, इतनी मेहनत स्ट्रगल करके पूरा पैसा उसके मुंह में भरेगी? आपको नहीं देना है 5 लाख? मेरे पास तरीका है उसका मुंह बंद करने का। आपको नहीं देना है ना मुझे? यार पैसा इम्पोर्टेंट नहीं है मुझे, ऐसे लोगों पे बंदों पे ट्रस्ट नहीं होता। आपको नहीं देना है ना पैसा? आप चाहते हो ना इज्जत पे कचरा हो भाई, तेरे इज्जत से बढ़ के ना मेरे लिए पैसा नहीं है, तेरी इज्जत और तेरा ही सब कुछ मेरे लिए बढ़कर है। तो मैं दे दो ना। अरे तो भाई वो दोबारा क्या गारंटी क्या ले रहा है? तू ले दी उसकी गारंटी, तू लेगी क्या? देखो पता है जब वो इतनी नीच हरकत कर सकता है तो आगे भी करेगा। तूने मेरे से बात करवानी थी ना भाई? हम बस उसको मुंह करते यार, वो फिर कुछ और कर देता और थाने चले जाता। अरे तू मेरे से बात करवा, मैं उसकी अभी बिल्डिंग बिठा दूंगा। ओह नो, ठीक है तू डरे मत, मैटर को बढ़ाने नहीं, बात बढ़ेगी नहीं। तू जानती ना मुझे, तू मुझे जानती ना, बोल अच्छे से, तू मुझे बहुत अच्छे से जानती है, प्लीज तू मुझे बहुत अच्छे से जानती है, तू मुझे बहुत अच्छे से जानती है। अब नहीं दूंगे ना पैसे उसको, नहीं मुंह बंद करवा रहे ना। मेरे से बात करवा रही है? नहीं मेरे से बात करवा, मैं बात करूंगा, तू बात नहीं करेगी उससे, ठीक है? वो तेरे डर का फायदा उठा रहा है, उसको दिख गया है कि तू डर रही है, वो आपको भड़का देगा आर्ष। भाई मैं उसकी बातों में आ जाऊंगा, जिसको जानता आपको नहीं देना ना पैसे, बोलो नहीं देना ना, उससे मिलने जाना। मैं बात करूंगा उससे,
ठीक है चलो, मेरे को कैमरा ऑफ करने दो फिर चलो। बहुत अच्छा, सो बाय गाइस।